नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंच चुका है और यह मुद्दा उठाया है पाकिस्तान ने। हमेशा की तरह पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने मांग की है कि इस मुद्दे पर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए। लेकिन इस बार भी पहले की तरह पाकिस्तान की हार तय है, क्योंकि पाकिस्तान को कोई देश कश्मीर मुद्दे पर समर्थन नहीं करने जा रहा है। क्या है मामला, हम आपको बताते हैं। कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसके बाद इसके विदेश मंत्री चीन गए और इस मुद्दे पर उसका समर्थन लेने की कोशिश की। चीन ने भारत के हालिया निर्णय का विरोध किया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पहले के प्रस्तावों की चर्चा की, पर उसने ये भी कहा कि शिमला समझौते के तहत ही इसका निपटारा करें। एक तरह से बीजिंग इस्लामाबाद को कह रहा था कि कश्मीर पर वह भारत से बात करें। चीन इस्लामाबाद का समर्थन नहीं करेगा, इसके दूसरे कारण भी हैं। ये कारण व्यावसायिक हैं। भारत में बहुत जल्दी दूर संचार की 5G प्रणाली शुरू होने जा रही है। चीन चाहता है कि यह काम जो उसकी सरकारी कंपनी है वावे उसको मिले। वह भारत को उसके अलावा एक बड़ा सा उत्पादन केंद्र बनाना चाहता है। उसकी मंशा है कि यहाँ के शस्त्र सम का इस्तेमाल कर कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उत्पादन करें और उन उत्पादों को लैटिन अमेरिका और अफ्रीका होते हुए पूरी दुनिया में बेचें। तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान का समर्थन कौन करेगा? क्या अमेरिका मदद करेगा? इसकी भी संभावना नहीं है और इसकी वजह भी व्यावसायिक है। भारत को होने वाले निर्यात में बीते दिनों कमी आई। वॉशिंगटन चाहता है कि भारत में उसका निर्यात बढ़े। उसके अलावा भारत में जो अमेरिका से आयात होता था उसमें भी कटौती आई है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने भारत को जो रियायतें दे रखी थी GSP की, वो उसने ख़त्म कर दी और उसके बदले में भारत ने उसे जो रियायतें दी थी वो ख़त्म कर दी और भारत में जो अमेरिकी आयात होता था उस पर उसने टैक्स बढ़ा दिया। अब अमेरिका इससे निकलना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि इस मुद्दे पर मामला सलट जाए और वह भारत के साथ एक बेहतर व्यावसायिक रिलेशन कायम करे। ऐसे में अमेरिका कोई नए झंझट में पड़ना नहीं चाहेगा, तो अमेरिका भी समर्थन नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, सवाल वही है कि आखिर इस मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कौन करेगा? चीन नहीं, अमेरिका नहीं, तो कौन? यह पाकिस्तान को भी पता है कि इस मुद्दे पर इस बार भी उसका समर्थन कोई नहीं करने जा रहा है। इसके बावजूद वह यह मुद्दा क्यों उठा रहा है? इसकी वजह है घरेलू राजनीति। इमरान खान सरकार पर विपक्षी दलों ने काफ़ी दबाव बनाया है और उन पर आरोप लग रहा है कि वे इस मुद्दे को ठीक से नहीं सुलटा रहे हैं, वे भारत के प्रति सख्त नहीं हैं। इस इमेज को, इस छवि को दूर करने के लिए इमरान खान ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि वो बता सकें कि वो जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।